पाँच साल की गारंटी उन्होंने दे दिया, सभी को फ्री में राशन मिलेगा, सभी जातियों के लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जब उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम गड़बड़ नहीं है, जब बीजेपी की सरकार बनती है ईवीएम गड़बड़ है। आखिर वो भी तो सरकार बना है। चुनाव के हिसाब से पता चलता है कि 40% वोट विपक्ष के पास है, केवल दिखाने के लिए। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी बरकरार रहेंगे? जी सर, क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी। कहाँ के रहने वाले? महाराजगंज, यूपी। क्या लगता है, 5 राज्यों में चुनाव हुआ जिसमें से 3 राज्य जो है बीजेपी सरकार बना ली, अब 24 का लोकसभा चुनाव है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? पूरी तरह से मोदी आएंगे और 400 पार करेंगे। आखिर मोदी ही क्यों? मोदी ही क्यों? मोदी ही गारंटी है। मोदी देश के लिए सबसे अच्छा व्यक्तित्व है। अच्छा। और विकास करता है, लोगों के लिए काम करता है, आम आदमी के लिए काम करता है। महंगाई विशेष मुद्दा है विपक्ष का। महंगाई कहाँ है, विपक्ष ऐसे बोलता, महंगाई है कहाँ? है कहाँ महंगाई? परेशान है, जो चीजें कहते हैं कि जो 300-400 का मिलता था वो 1500-1200 का मिलता। ऐसा कुछ नहीं है, उस समय जब महंगाई की बात करेंगे ना तो महंगाई कांग्रेस के जमाने में था, भाजपा के जमाने में महंगाई नहीं है। राहुल गांधी बात बात में कहते हैं कि युवा परेशान है, बेरोजगार है। आप देख रहे हैं मोदी जी रोजगार मेला के माध्यम से इतने सारे लोगों को, लगभग 8 लाख लोगों को नौकरी दिया है। वो ऐसे ही बोलते हैं, उनको बोलने की आदत है, ऐसे बोलते रहते हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी जो है अडानी और अंबानी के इशारे पे चलते हैं, कर्ज तो उनके माफ होते हैं, किसान परेशान है। ऐसा नहीं है, मोदी सबके लिए काम करते हैं, उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं तो आम आदमी के लिए भी काम करते हैं। आप गारंटी देखिए, 5 साल की गारंटी उन्होंने दे दिया, सभी को फ्री में राशन मिलेगा, जल से नल की व्यवस्था किया उन्होंने, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं, आवास की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है, गैस सिलेंडर की सुविधा है, जो आम व्यक्ति के लिए आवश्यकता है उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। इस नाते पुनः मोदी जी आएंगे। राहुल गांधी जी का अभी तक मिशन रहा जातीय जनगणना, अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो जातीय जनगणना करेंगे, कितना सहमत है? जातीय जनगणना क्या करेंगे, आप देखिए हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सभी प्रदेशों में सभी जातियों के लोगों को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ऐसे आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ सब पहले से ही सारी व्यवस्था है? वो तो केवल कहते हैं, हम करके दिखाते हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को किस नजर से देखा जाए? एकदम पूरी तरह से फिड्डी है और वो पूरी तरह से फेल है। आप देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी व्यथा बताई ही आपको, सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से बताया है। तो ऐसे में क्या करेंगे, वो पूरी तरह से परेशान है, वो लोग अपने ही गठबंधन को नहीं ठीक कर पा रहे तो देश में क्या करेंगे? अरे देश में करने के लिए जो स्टेट सरकार है, कम से कम मान के चलिए 10-12 राज्यों में तो सरकार ही है। 40% वोट जो है सर्वे के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से पता चलता है कि 40% वोट विपक्ष के पास है, केवल दिखाने के लिए। जब आपको अभी देखे है ना उत्तर, आप मध्य प्रदेश में, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आपने देखा है ना, इसी तरह से आपको दिखाई देगी पूरे देश में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करते हैं तो कहते हैं ईवीएम गड़बड़ है, जब उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम गड़बड़ नहीं है, जब बीजेपी की सरकार बनती है ईवीएम गड़बड़ है। आखिर वो भी तो सरकार बना है, एक जगह सरकार उनकी भी तो बनी है। इसका मतलब विपक्ष मुद्दा विहीन समझे? एकदम पूरी तरह से मुद्दा विहीन है। जहाँ वो जीते हैं वहाँ ईवीएम ठीक, जहाँ हम जीते ईवीएम खराब। आप स्वयं बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग बताइए कि जहाँ वो जीते हैं वहाँ ईवीएम ठीक है, जहाँ हम जीते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। राहुल गांधी जी का मोहब्बत का दुकान है, लेकिन वहीं पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो धर्म से जोड़कर राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। अभी आपने मोहब्बत की दुकान में देखा है ना, 325 करोड़ अभी मिला है सांसद जी के पास से, अभी और गिनती जारी है। ऐसे ही मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ये लोग। इनके शासन काल में केवल घोटाला ही हुआ है और आज भी जो उनके नेता घोटाला ही कर रहे हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, इससे आपको समझना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय जो है दबाव में है। कहाँ दबाव में है, पूरी तरह से उनके साथ सरकार खड़ी है और उनकी, आप बताइए कांग्रेस के जमाने में और भी सरकारें रही हैं, लेकिन जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक लोगों को मिला, किसी को मिला है? आवास हो, शौचालय हो, और ये उज्ज्वला योजना हो, या जो भी सरकार की योजना है, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को मिला। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए।